अल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज दा मौजू है कि सरों दा जनाब तेल दी फजीलत बयान करनी है। इस वास्ते मैं सरसों दे माशाल्लाह बूटे दे कोल खलोता जिदे इस जनाब सरसों दा तेल इस तो बनदा है। इस बूटे तो सरसों दा तेल एक ऐसी अजीम दौलत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत दे नाल सरों का बूटा जिहड़ा है ये परवान चढ़दा है। ये कोई कैमिकल नहीं, कोई ऐसी ये चीज़ नहीं कि जिहड़ा बंदा आखे जी ये नाल नुकसान है। सरों का तेल एक ऐसी अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि जिहड़ी जिहड़ा इहनू खांदा है उहदे अंदर ब्लड प्रैशर शूगर कब्ज़ जिहड़ी खुशकी वह खत्म हो जाती है। क्योंकि जिहड़ा आ तेल असीं खाने ना अपना जनाब एक घ्यो खाने कि वह जनाब की करता है साढ़े जिमें शैपर के अंदर जमया होंगे ना इस तरह असं जो खाने जो ठंडा होंगे वो साड़िया आंदरां च वो जम जाता है। साड़िया आंदरां दे साह बंद कर देता है, साढ़े साह छोटे कर देता है, साढ़े अंदरों जनाब बीमारियां पैदा करता है जनाब। तो ये जरा मुबारक तेल है ना सरों का, अगर हांडी च पा के खाओ तो सुभान अल्लाह उंज भी कच्चा भी तुसी खा सकते हो। इनू आयल बना लो, इनू उबालो सही अच्छे तरीके नाल, इनू जनाब गर्म करो, इनू साफ सुथरा करके लैके किसी कोहलू तो ले लो या किसी अच्छी दुकान तो ले लो, उन्हूं फिर घर लिया के उबालो, उबाल के साफ सुथरा करके हांडी च पाओ, उंज खाओ। मेरे साहबो खुदा की कसम चुकया ना मैं 2-3 किलो खुद तेल सरों का पी चुकिया। अलहमदुल्ला मैनू ब्लड प्रैशर का मसला सी वह भी ठीक हो गया, कब्ज़ भी ठीक हो गई, खुशकी सी मैनू वह भी ठीक हो गई। क्योंकि असी मौलवी हैं तुहानू पता लंगर तो अलहमदुल्ला अल्लाह खुला देंदा है ना, अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला। तो मैं गल सच्ची कर रहा कि सरों के तेल ने मैनू अलहमदुल्ला दोबारा जिंदगी जिमें अल्लाह पाक ने दी है सारी मेरे अंदर मेदे तक खुशकी टुर गई सी। अलहमदुल्ला मैं हूँ बिल्कुल ठीक हाँ, तुहाडे सामने खलोता वा वीडियो के अंदर तुसीं वेख सकदे हो। तो अल्लाह का फजल होया मेरे ते इस सरसों का तेल, यतून का तेल सरकारे दो आलम की सुन्नत है, उस तो बाद अगर वो तेल है तो सरसों का तेल है। नाले सब्जा वेख्या भी करो, नाले खाया भी करो। अल्लाह अमल की तफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।